देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है। राजस्थान सरकार द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण की गाइडलाइन में कई तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं राजधानी के एमआई रोड बाजार में भी दुकानें और शोरूम अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। हालांकि कई तरह की दुकानें शोरूम अब भी बंद है। इस दौरान शहर के एमआई रोड बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने। सरकार की तरफ से लॉकडाउन जो लगाया गया है उसका चौथा चरण जो है उसका आज दूसरा दिन है, तो वहीं सरकार की तरफ से लगातार कई तरह की दुकानें या शोरूम्स है उनको खोलने की छूट भी दी जा रही है। तो अब जो है राजधानी जयपुर की सबसे मुख्य बाज़ार जो है एमआई रोड, वहां पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर जो है दुकानों का खुलने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रहा है। कुछ दुकानें खुल रही है तो कुछ दुकानें अभी भी बंद है। अभी हम कैमरामैन को कहना चाहूँगा दिखाएं जयपुर की ये एमआई रोड का बाज़ार है, जहाँ पर आप देखते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पहले से ही परमिशन थी, तो इसके आगे देख सकते हैं कपड़े की जो दुकानें हैं वो खुल गई है। अब लॉकडाउन के चौथे चरण में जो छूट दी गई है, इसके बाद कई तरह के जो यहाँ पर ये जो एमआई रोड का बाज़ार है जहाँ पर सभी तरह के कपड़ों के ब्रांड्स के शोरूम यहाँ पर हैं, तो इसमें से कुछ शोरूम खुले हैं तो कुछ अभी बंद है। हालांकि उनका कहना है कि कस्टमर इक्का दुक्का आ रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी वैसे वैसे यहाँ पर जो है लोग भी आएंगे और बाज़ार में पुरानी रौनक लौटेगी। आप देख सकते हैं कि ये जो ज्वेलरी की शॉप की बात की जाए तो यहाँ पर जितनी भी ज्वेलरी की शॉप है अधिकतर सारी बंद है, नहीं खुली है। यहाँ पर जो ज्वेलरी के दुकानदार हैं उनका कहना था कि अभी जो है चूंकि सरकार की तरफ से गाइडलाइन कल ही जारी हुई है तो अभी जो है साफ़ सफाई भी की जा रही है। इसके अलावा अभी जो है ज्वेलरी को लेके कई तरह की जो लोग हैं वो अभी खरीदने नहीं आएंगे, तो इस कारण उन्होंने अभी खोलने उचित नहीं समझाया है। बाकी देख सकते हैं कि कई तरह की दुकानें धीरे धीरे खुलने लगी है। बाज़ार में जो है अब ट्रैफिक भी काफ़ी दिखाई देने लगा है, उसका कारण है क्योंकि बाज़ार खुले हैं तो लोग भी बाहर निकल रहे हैं। तो वहीं दुकानदारों को उम्मीद है कि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर लौटेगी और कोरोना ज़रूर हारेगा और इससे अगर सावधानी रखी जा सकती है तो ज़रूर बचा जा सकता है। सरकार ने जो भी गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक जो है दुकानदार उसको फॉलो कर रहे हैं और लोग भी जो आ रहे हैं वो भी जागरूक हो रहे हैं, मास्क लगाकर निकल रहे हैं, साथ में सरकार की गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV जयपुर।